चंदनपुर नाम की नगरी में चंद्रसेन नाम का राजा राज करता। राजा के पास बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और इंसानों की बोली बोलने वाला हीरामन नाम का एक तोता था, जिस पर राजा बहुत ज्यादा विश्वास किया करता था। मंत्री जी, हमें महल में रहते काफी दिन हो गए हैं और कई दिनों से भ्रमण भी नहीं हो रहा है। हमारा मन है हम गंगा स्नान ही कराएं। जी बिल्कुल महाराज, आप आदेश कीजिए। मंत्री जी, हमें कल सुबह गंगा स्नान के लिए जाना है, आप हमारा रथ तैयार कर दीजिए। और हाँ, साथ में सबसे बड़ा विश्वास पात्र और सलाहकार हीरामन तोता भी जाएगा। जी महाराज, जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही होगा। अरे, हमने हीरामन से तो पूछा ही नहीं, हमारे साथ चलेगा भी कि नहीं? अरे हीरामन कल गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलोगे ना? जी महाराज, ऐसा कैसे संभव है महाराज, आप कहें और मैं उसको नहीं करूं, मैं हमेशा आपके साथ ही रहता हूं महाराज। लेकिन महाराज, एक छोटी सी आपसे एक विनती है। हाँ बिल्कुल, हीरामन बोलिए, क्या बात है? महाराज, गंगा स्नान के लिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन अपने साथ दान पुण्य की कुछ वस्तुएं भी ले चलिए, ऐसा कहते हैं और वेद शास्त्रों में लिखा है, जब तीर्थ के लिए जाते हैं तो दान पुण्य करने से और पुण्य बढ़ जाता है। बिल्कुल मंत्री जी, दान पुण्य का भी सामान हमारे रथ में होना चाहिए, कोई रास्ते में साधु भूखा भिखारी मिलेगा तो उसके काम आएगा। अगले दिन सुबह होती है, राजा अपने रथ और हीरामन तोते को लेकर गंगा स्नान के लिए निकल जाता है और सैनिक राजा के रथ के आगे आगे पैदल जा रहे थे, तभी उनको रास्ते में एक साधु नजर आता है। सैनिक साधु को रास्ते में देखकर उससे कहते हैं, साधु जी आप रास्ता छोड़ दीजिए, हमारे महाराज आ रहे हैं। साधु राजा को आता देखकर रास्ते के एक तरफ खड़ा हो जाता है। जब राजा की नजर साधु पर पड़ती है तो राजा रथ रोक देता है। साधु जी आप बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है और आप कहाँ जा रहे हो? महाराज, मेरी कुटिया का सारा सामान चोर ले गए हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं आप ही के पास फरियाद लेकर जा रहा था। महाराज, आपको बताना बेहद जरूरी था कि आपके शासन में भी चोरियां होती हैं। साधु जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी और जल्द से जल्द चोरों का भी पता चल ही जाएगा। तभी राजा साधु को धन से भरी थैली दे देता है। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज, इस धन के बदले मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ। जी क्या देना चाहते हो? महाराज, मेरे पास धन दौलत तो है नहीं, लेकिन कुछ ज्ञान की बातें हैं, यदि कोई इंसान माने तो जीवन में धोखा नहीं खाएगा। महाराज, आप खाना खाने से पहले दूसरे को भोजन खिलाकर खाओगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे और इसका आपको पुण्य भी मिलेगा। जी साधु जी, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूंगा। इतना कहकर राजा चल देता है। राजा गंगा घाट पर पहुंच जाता है और स्नान करने लग जाता है और हीरामन तोता भी गंगा का भ्रमण करने लगता है। तोता गंगा नदी पर भ्रमण कर रहा था तो तोते की नजर नदी में बहते हुए अमर फल पर पड़ती है। अरे ये तो अमर फल है, इसको तो मुझे राजा को ले जाकर देना चाहिए, राजा इसको खा करके अमर हो जाएगा। तभी तोता उस अमर फल को राजा के पास लेकर आ जाता है। महाराज ये अमर फल है, इसको खाइए, इसको खाकर आप अमर हो जाओगे। अरे हीरामन बहुत अच्छी चीज है ये तो, अमर फल तो बड़े किस्मत वालों को मिलता है और मैं इस अमर फल को अकेला खाकर क्या करूँगा, ऐसा करता हूँ अमर फल को अपने बगीचे में ले जाकर लगा देते, जब इसमें फल आएंगे जब सब कुटुंबियों को खिलाकर अमर कर दूंगा। राजा गंगा स्नान कर अमर फल को लेकर अपने राजमहल लौट आता है। मंत्री जी
दरबार में बागवान को बुलाया जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सैनिक बागवान को लेकर दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। जी महाराज, आज मुझे दरबार में कैसे याद किया गया है महाराज? मेरे लिए क्या आदेश है? बागवान, हमारे पास अमरफल है, इसको आपको बगीचे में लगाना है। ये याद रखना, इसकी देखभाल में लापरवाही नहीं हो, यदि ऐसा हुआ तो आपको राज दरबार में दंडित किया जाएगा। बागवान अमरफल लेकर चला जाता है और बगीचे में लगा देता है। बागवान बड़ी हिफाजत करता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन अमरफल से अंकुर निकल आया। बागवान उसको देखकर बड़ा खुश हुआ। कुछ ही दिनों में अमरफल का पौधा बड़ा हो गया और उसमें फल आने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, किसी काम से बागवान कहीं बाहर गया हुआ था। उसी दिन अमरफल के पेड़ से एक अमरफल टूटकर नीचे गिरा और उसको एक सांप ने सूंघ लिया, जिससे वो जहरीला हो गया। परंतु इस बात का माली को पता नहीं लगा। जब माली ने बगीचे में आकर के उस अमरफल को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। वाह, क्या बात है, अमरफल! मुझे इसको राजा को ले जाकर देना चाहिए। राजा को इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार था। महाराज हमारे इसको देख करके बड़े खुश होंगे। बागवान अमरफल को ले जाकर राजा को दे देता है। अरे, ये तो जितना गुणकारी है उससे कहीं ज्यादा सुंदर भी है। मंत्री, इस फल के 4 टुकड़े किए जाएं, हमें इसको खाना है। तभी राजा को साधु की बात याद आ जाती है कि बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु को खाना ठीक नहीं है। राजा के दरबार में एक वफादार कुत्ता भी था। राजा थोड़ा सा अमरफल कुत्ते को खिला देता है। कुत्ता अमरफल को खाकर तुरंत मर जाता है। ये देखकर राजा क्रोधित हो जाता है। बेईमान तोते, तू मुझे जहर देकर मारना चाहता है। तू सबसे बड़ा विश्वासघाती निकला। मैंने तेरे पर सबसे ज्यादा विश्वास किया था और तू ही मुझे धोखे से मारना चाहता है। राजा क्रोध में आकर तलवार से तोते के 2 टुकड़े कर देता है। पूरे राज्य में अब ये खबर फैल गई कि राजा के महल में जहर वाला पौधा है। एक दिन उसी शहर में सास बहू में भीषण लड़ाई हुई और बुढ़िया घर से बाहर निकलकर कहने लगी, महारानी राज कर रही है, राज सारा दिन सोती रहती है, काम धाम कुछ करती ना है। कहे तो मारवे को भागे, मारवे को डाकन बन रही है। तोते बड़ी डाकन कौन होगी, तू खा गई सब घर को, का छोड़ो तेरे यहाँ घर में, मुझे तेरे घर में ठीकरा मिले ठीकरा। अच्छो, या ब्ले में और लगा रही है मुँह पे, खाए खाए खुद मसंडा हो रही है और नाम मेरो कर रही है, तो शर्म तो नेक ना आ रही होगी। ले तू ही रह ले घर में, मैं तो जा रही हूँ राजा के बाग में और मर जाऊंगी वह जहर के फले खाए के। इतना कहकर बुढ़िया राजा के बाग में आ गई और जैसे ही उसने फूल तोड़कर खाया तो बुढ़िया 16 साल की युवती बन गई। ये खबर जाकर बागवान ने राजा को दी तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और पछताने लगा। वास्तव में ये अमरफल ही है, मैंने व्यर्थ में ही हीरामन तोते को मार डाला। मुझे सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए था, जल्दबाजी में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे हीरामन तोते की मृत्यु का अब बड़ा पछतावा हो रहा है। वो मेरा बहुत बड़ा विश्वास पात्र, सलाहकार, साथी था।